हेलो गाइस, मैं जय ओझा प्रोफेशनल क्रिकेटर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज मौसम थोड़ा नाराज़ है और बारिश हो रही है दिल्ली में, तो हमने फैसला करा है कि मैं अपने घर की टेरेस पे आया हूं और घर की टेरेस पे आके आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ग्राउंड सारे गीले हो गए थे, बारिश हो रखी है बाहर। तो वीडियो ना हमारा फ्राइडे और ट्यूसडे वीडियो आता है, तो उसकी कंटिन्यूएशन में कोई दिक्कत ना हो और आप तक मेरी वीडियोज़ पहुँचती रहें, इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी घर की छत पर आया हूँ और आज एक और वीडियो बना रहा हूँ। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं अपनी वीडियो में फ्रंट फुट डिफेंस की, कि क्रिकेट के अंदर फ्रंट फुट डिफेंस जो फर्स्ट चीज़ है हमारा फ्रंट फुट, वो कैसे निकाल के खेला जाता है और कैसे डिफेंस करा जाता है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। और डिफेंस के बिना क्रिकेट हो ही नहीं सकती, तो आइए वीडियो में चलते हैं और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी तक देखेंगे तभी समझ आएगी इसकी टेक्निक, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो गाइज, फ्रंट फुट डिफेंस का फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि फ्रंट फुट डिफेंस एक्चुअली है क्या, फ्रंट फुट डिफेंस किस लिए यूज़ होता है। अभी हमें ये जानने के लिए फर्स्ट हमें ये चीज़ जानना है कि हम डिफेंस करते क्यों हैं, अपनी विकेट्स को बचाने के लिए। जो हमारी विकेट्स हैं, अगर हम बैटिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल बैटिंग कर रहा हूँ और ये हमारी स्टंप्स हैं, तो इसको बचाने के लिए और विकेट के ऊपर खड़े रहने के लिए हम डिफेंस का यूज़ करते हैं। अब डिफेंस हमारा जितना अच्छा होगा, उतनी ही देर हम विकेट के ऊपर रह सकते हैं, क्रिकेट की पिच के ऊपर हम खड़े रहेंगे अगर हमारा डिफेंस अच्छा होगा। तो हमारा ये फर्स्ट चीज़ यही रहेगी कि हम अच्छा डिफेंस करें बॉल पे और विकेट पे ज़्यादा से ज़्यादा देर टाइम स्पेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएं। गाइस, सेकंड चीज़ है हमारी फ्रंट फुट डिफेंस की, कि हमें फ्रंट फुट डिफेंस के अंदर ये पता होना ज़रूरी है कि हमें फ्रंट फुट पे तो आना है, लेकिन फ्रंट फुट पे आके डिफेंस कौन सी बॉल को करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 बॉल सेट करी हैं, ये एक फुल लेंथ की बॉल है, एक वो गुड लेंथ की बॉल है और एक वहाँ पे मैंने शॉर्ट लेंथ की बॉल लगाई है। अगर मैं अपना यहाँ से स्टांस ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो मेरी फर्स्ट बॉल ये हुई मेरी फुल लेंथ की बॉल। अभी जो मेरा सेकेंड बॉल है वो मेरा हुआ गुड लेंथ का बॉल। तो गाइज, हमें जो डिफेंस करना है वो हमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स इस बॉल के ऊपर करना है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये हमारा ड्राइविंग लेंथ होता है, तो इस पे हम मोस्टली टाइम्स ड्राइव्स खेलते हैं। और जो हमारा वो शॉर्ट ऑफ द बॉल पड़ा है, वो शॉर्ट ऑफ द लेंथ है, तो उस पे हमारे पुल शॉट, हुक शॉट और जो कट शॉट है वो सब चलता है। तो मोस्टली टाइम्स हमें जो ये गुड लेंथ का बॉल है इस पे डिफेंस करना है। तो अभी मैं यहाँ से स्टांस ले रहा हूँ, तो मेरा जो डिफेंस होगा वो ये यहाँ पे, ये इस बॉल के ऊपर आएगा, जो बॉल यहाँ पिच करेगी, यहाँ जो पिच करेगी बॉल। गाइस, थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी फ्रंट फुट डिफेंस के अंदर जो हमें ध्यान देना है, वो है कि हमें, अब हम एक नॉर्मल स्टांस लेके दिखा रहा हूँ मैं आपको, कि ये मैंने अपना बैट पकड़ा। अब जब मैं स्टांस लेने के बाद जब मैं डिफेंस करूँगा बॉल के ऊपर, तो जब मैं डिफेंस के लिए जा रहा हूँ, तो मेरा जो हेड है और जो शोल्डर है, हेड और शोल्डर मेरा अगर बॉल की लाइन ये है, फॉर एग्जांपल इस लाइन के ऊपर बॉल आ रही है और मैं यहाँ पे यहाँ से खेल रहा हूँ, तो जब मैं बॉल की लाइन में, मेरा जो हेड और शोल्डर है उसको मुझे बॉल की लाइन में लेके जाना है, और जो मेरी फीट है वो भी बॉल की लाइन में जाएगी, और जो मेरी नीज़ हैं वो बेंड होंगी इस तरह के, मेरा जो वेट है मेरी बॉडी का वो बॉल के ऊपर आए। और इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा बैक लेग है, बैक लेग हमारा स्ट्रेट रहेगा, ये हमारा ऐसे बेंड नहीं रहना चाहिए। ये अगर हम बॉल के ऊपर आ रहे हैं, हमारा शोल्डर और जो हेड है वो बॉल की लाइन में जाएगा, हमारे जो हील है वो बॉल की लाइन को फॉलो करेगी, बॉल की लाइन में जाएगी, उसके बाद जो हमारी नी है वो बेंड होगी बॉल के ऊपर और हम डिफेंस प्ले करेंगे, उस टाइम हमारा जो ये बैक लेग है, बैक लेग इस तरह की पोजीशन बनेगी, इस तरह की। आपको मैं करके दिखाता हूँ, जैसे अगर मैं डिफेंस के लिए जा रहा हूँ तो ये मेरी पोजीशन रहेगी ये, और ये वाला जो हमारा हाथ है, उसके बाद ये वाला हाथ आप कोशिश करो कि जब मैं ये, मैं अगर मैं ऐसे करके ये डिफेंस कर रहा हूँ, तो ये हाथ को मैं हल्का हल्का नीचे ले जाऊँ, मतलब यहाँ से हाथ मेरा हल्का हल्का ऐसे करके ऐसे आ जाएगा। और ये इसके बाद हमें नोट करना है कि हमारा डिफेंस कैसे अच्छा हुआ। तो अब जब हम डिफेंस करेंगे, हमारा डिफेंस करने के बाद जो हमारी पोजीशन बनती है वो ये वाली जो पोजीशन है, आयुष तू देख सकता है, ये जो मेरी पोजीशन है 9 की बन रही है, 9 की, एक बार फिर से देखना गाइज, आप भी बताओ ये मेरी पोजीशन कैसी बन रही है, ये मेरी पोजीशन आयुष कैसी बन रही है, 9 बन रहा है ना। तो गाइज, ये जो पोजीशन है ये 9 की बनेगी,
और डिफेंस के टाइम हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, मिडल फिंगर है और जो हमारा थंब है, ये तीन चीज़ें यूज़ में आएंगी। और चीज़ें और ये वाली जो फिंगर्स है वो यूज़ में नहीं आएंगी, सिर्फ इन्हीं से डिफेंस करा जाएगा। और जो हमारा बैट है, हमारी जो नीज़ हैं, इसके आगे रहेगा, बिल्कुल भी आगे नहीं रहेगा। जैसे आप ये देखो, ऐसे भी नहीं रहेगा बैट, ना ऐसे रहेगा, ये हमारा बैट रहेगा इस तरह, और ये हमारा डिफेंस होगा। और हमारा बॉडी वेट सारा बॉल के ऊपर होना चाहिए, ऊपर लाइक दिस। गाइस, फोर्थ और लास्ट पॉइंट फ्रंट फुट डिफेंस का, हमें अच्छा माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है क्रिकेट के अंदर, क्योंकि माइंडसेट अच्छा होगा तो जो हमारा बैट है उस पर हमारा कंट्रोल अच्छा होगा। अगर हमारा कंट्रोल अच्छा होगा तो जो डिफेंस का बॉल है हम उसको डिफेंस कर लेंगे, जो ड्राइव का बॉल होगा उसको हम ड्राइव मार लेंगे, और जो पंच का बॉल होगा उसको हम पंच कर लेंगे। तो गाइस, आपको माइंडसेट अच्छा रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट से खेलना है, क्योंकि अब इसके अंदर क्या है, अब अच्छा बॉल पड़ा, फॉर एग्जांपल समझो एक गुड लेंथ के ऊपर बॉल पड़ा, अब मैंने अपना स्टांस लिया, ठीक है, ग्रिप ली, मैंने स्टांस लिया, ठीक है, ये मेरा बैट कॉक हुआ, अब बॉलर ने डाली है मुझे गुड लेंथ की बॉल, अब गुड लेंथ की बॉल पड़ी और मेरा जो बैट का फ्लो है वो एक्सेलरेट हो रहा है, और अब मेरे को क्या करना है, मेरे को डिफेंस करना है, तो मुझे इसको फटाफट डी एक्सेलरेट करना पड़ेगा। और डी एक्सेलरेट करने के लिए ना मेरे को एक अच्छा माइंडसेट चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास माइंडसेट मेरा होगा कि भाई नहीं मेरे को तो मारना है मारना है मारना है, तो मेरा जो डी एक्सेलरेशन है मतलब मेरा बैट हल्का चलेगा, और चलने की वजह से क्या है वो बॉल हवा में पॉप करेगा। तो मेरे को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो मेरी डी एक्सेलरेशन है, एक तो मेरे को जब स्कोरिंग बॉल्स मिले तो मुझे एक्सेलरेट भी करना है, और जब मेरे को डिफेंस करने वाला बॉल मिले तो मेरे को डी एक्सेलरेट भी करना है। और डी एक्सेलरेट करते टाइम, अब जब मैंने ये अपना, मैंने ये ग्रिप ले ली, मैंने अपना स्टांस ले लिया, ये मेरा कॉक हो गया बैट, अब जब मैं डी एक्सेलरेट करके शॉर्ट प्ले कर रहा हूँ, मतलब डिफेंस कर रहा हूँ, तो डिफेंस के टाइम जो मेरा बैट है वो मेरे टॉप हैंड पे होना चाहिए, और जो मेरा, मैंने आपको पहले बताया है कि भाई मेरी इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और मेरा थंब वो लगेगा, उसके साथ साथ मेरा पीछे वाला जो पैर है वो मेरा, ये देखो, सीधा रहेगा, सीधा रहने के साथ साथ मेरा जो हेड है, शोल्डर है, और जो मेरी आईज हैं वो ऊपर रहेंगी बॉल की, और मैं उसको डिफेंस करूँगा, और जो ये मेरी जो पोजीशन है ये मेरी नाइन की पोजीशन बन जाएगी। तो गाइज, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और ये सारी चीज़ें तभी सही होंगी आपकी जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। मतलब आपको दिन की 200-300 बॉलें डिफेंस की खेलनी है, तब जाके आपकी ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी। तो गाइज, इन चीज़ों पे आप वर्क करो, अपना डिफेंस अच्छा करो, जिससे आप पूरा दिन विकेट के ऊपर खेल सको और रन्स बना सको, क्योंकि डेज क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस। अगर आपका डिफेंस अच्छा होगा और आप बॉल के ऊपर अच्छा आ रहे होगे, तो आप स्विंग बॉल को भी खेल सकते हो, स्पिन होती हुई बॉल को भी खेल सकते हो, और कोई भी बॉलर हो अगर आपको कोई दिक्कत कर रहा है तो आप उसको रोक के विकेट के ऊपर खड़े रह सकते हो। और विकेट के ऊपर खड़े रहने का फ़ायदा ये है कि आप पूरे दिन विकेट के ऊपर खड़े रहोगे तो आपके रन्स बनेंगे। तो गाइस, इस वीडियो के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रंट फुट ड्राइव के बारे में, बैक फुट ड्राइव के बारे में, कट शॉट के बारे में, पुल शॉट के बारे में, और जो हमारे सारे ड्राइव शॉट हैं उसके बारे में। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं गाइस ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, जय माता दी।